गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 2.0 में। और दोस्तों आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स, ठीक है, यानी कि अनुप्रयुक्त भौतिकी, ठीक है, जो कि दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है, वो भी ऑल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए है। दोस्तों कोई भी आपकी ब्रांच हो और अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपका ये सब्जेक्ट है कौन सा, अप्लाइड फिजिक्स, ठीक है। दोस्तों आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा अप्लाइड फिजिक्स, यानी कि अनुप्रयुक्त भौतिकी, हम लोग इसे हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो आप अगर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आप दोस्तों यहाँ अपनी अनुप्रयुक्त यांत्रिकी, ठीक है, सॉरी अनुप्रयुक्त भौतिकी यानी कि अप्लाइड फिजिक्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। और दोस्तों अदर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन भी आपको इसी चैनल पर कराई जा रही है, जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा था दोस्तों अप्लाइड मैथमेटिक फर्स्ट, और अप्लाइड मैथमेटिक फर्स्ट में जो हमारा पहला चैप्टर था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है मैथ के लेक्चर तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ठीक है, जो अप्लाइड मैथमेटिक फर्स्ट है उसका मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, तो आप वहां जा करके देख लीजिएगा। और दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे अप्लाइड फिजिक्स, और अप्लाइड फिजिक्स में दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर 1, ठीक है। सिलेबस तो आप सब लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। तो दोस्तों जो हम लोगों का चैप्टर 1 है अप्लाइड फिजिक्स में, वो है दोस्तों मात्रक एवं विमाएं, ठीक है। चैप्टर 1 दोस्तों जो रखा गया है वो है मात्रक एवं विमाएं। हालांकि ये चैप्टर आप लोग कई बार पिछली क्लासों में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, मात्रक एवं विमा यानी कि यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है दोस्तों, यूनिट एंड डायमेंशन ये है आपका पहला चैप्टर, वो भी अप्लाइड फिजिक्स का। तो इसमें हम लोगों को दोस्तों सबसे पहले क्या पढ़ना, पहले तो हम लोग इसी के बारे में जान लेते हैं कि हमारा मात्रक और जो विमाएं हैं ये क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे मात्रक के बारे में। तो दोस्तों मात्रक यानी कि यूनिट, यूनिट क्या होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मैंने आपके सामने मान लीजिए कोई एक पदार्थ लिया हुआ है, ठीक है, या मैं कह सकता हूँ मैंने कोई बॉडी ली हुई है, ठीक है, ये बॉडी है, ठीक है, क्या ये आपके सामने मैंने कोई बॉडी ली है, आप इसे कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। मैंने ये कोई पिंड लिया, मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला कि जो इसका वेट है क्या है दोस्तों, इसका जो वेट है वो है 50, ठीक है, मैंने इतना बोल दिया कि जो ये बॉडी है उसका वेट आपका 50 है। तो क्या आप लोग प्रॉपर तरीके से समझ पाए कि ये 50 है, तो 50 है क्या, ठीक है, 50 किलोग्राम है, 50 ग्राम है, 50 मिलीग्राम है, मतलब है क्या ये। तो यानी कि हमने देखा कि अगर हमें किसी भी यूनिट का, जैसे कि आपकी यूनिट क्या थी, वेट यानी कि भार, तो अगर किसी भी यूनिट को हमने हमें अच्छी तरीके से बोलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, ये आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू कहलाती है, यानी आंकिक मान कहलाता है, ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इसे दोस्तों हम लोग आंकिक मान कहते हैं, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं। तो हमने देखा कि न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ कुछ ना कुछ पीछे होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, क्या होना चाहिए, जो भी आपकी यूनिट रहेगी उसका जो भी आपने यहाँ मान लिखा हुआ है, ठीक है, जो आपका आंकिक मान है उसके साथ आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। तो जो ये आप पीछे लिख देते हैं यही दोस्तों आपका मात्रक कहलाता है, क्या कहलाता है, यूनिट कहलाता है। यानी कि कोई भी यूनिट प्रॉपर रूप से तब तक नहीं लिखी जा सकती जब तक क्या हो, उसका जो आंकिक मान है उसके साथ उसकी यूनिट ना लिखी जाए। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी हमारी क्वांटिटी होती है, यानी कि जो हमारी यूनिट होती है, ठीक है, इसे हम क्यू से डिनोट कर सकते हैं दोस्तों। तो क्यू बराबर हम कह सकते हैं कि जो हमारा यहाँ है न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा और हमारा क्या रहेगा, यूनिट रहेगा, और इन दोनों का गुणन ही हमारा जो है दोस्तों क्या बनेगा, कोई राशि बनेगी, कोई हमारी क्वांटिटी बनेगी, ठीक है। ये हम यहाँ से समझ गए कितना, यानी हमने ये देख लिया कि जो हमारी राशि रहेगी उसमें हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा और हमारी यूनिट रहेगी, और यूनिट आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर किसी भी राशि को आप इस तरीके से लिख देंगे 50-40 तो वो आपकी प्रॉपर रूप से नहीं मानी जाएगी, यानी कि आपको उसके साथ उसकी यूनिट भी लिखनी पड़ेगी, चाहे आपकी लेंथ हो, जैसे आप बोलते हैं 50 मीटर, तो आप ऐसा नहीं लिख सकते कि 50, क्योंकि फिर आप इसको समझ ही नहीं पाएंगे कि ये 50 आपने लिखा है तो लिखा क्या है, ठीक है। तो इसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो यूनिट है वो भी यूज़ करना पड़ेगा। तो इसका यूनिट अगर आप लेंथ ले रहे हैं तो आप लंबाई भी, लंबाई का क्या ले सकते हैं, मीटर ले सकते हैं, सेंटीमीटर ले सकते हैं, किलोमीटर, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि क्वांटिटी जो होती है दोस्तों, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, इन दोनों का क्या होता है, गुणन होती है, ठीक है।
तो ये पहला पॉइंट था। इसके बाद दूसरा पॉइंट दोस्तों मात्रक में समझिएगा, जो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू रहता है यानी कि एन, ये दोस्तों जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है आपका यूनिट के, ठीक है। यू आपका यूनिट है और एन आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। क्या है, एन आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है यानी आंकिक मान होता है, ठीक है। जो ये आपका नंबर लिखा होता है ये आपका होता है न्यूमेरिकल वैल्यू यानी आंकिक मान, और यू होता है यूनिट यानी कि मात्रक। जो यहाँ पीछे आपका मात्रक लिखा है ये ग्राम किलोग्राम, ये आपका मात्रक होता है यानी यूनिट। तो दोस्तों मैंने आपसे बोला कि जो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू रहता है वो जो आपका यहाँ यूनिट रहेगा उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, क्या रहता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। एन आपका क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, यू के, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो है आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, आपके यूनिट की। लेकिन ऐसे कैसे हो सकती है, तो मैं इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल आपने आप देखिएगा, जैसे मैंने आपसे बोला कि एक किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, ठीक है। एक किलोमीटर बराबर आपका होता है दोस्तों 1000 मीटर, ठीक है, ये तो आपको सबको पता है। तो आपने यहाँ देखा कि यहाँ जो वन है ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। जो किलोमीटर है ये आपका यूनिट है, ठीक है, ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, ये आपका यूनिट हो गया यानी कि यू हो गया। और यहाँ जो 1000 है ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू एन हो गया। और जो एम यानी मीटर ये आपका क्या है, यूनिट है, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ जब हमारे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी वन थी तो उसकी यूनिट बड़ी थी, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर नीचे वाला बढ़ रहा है तो ऊपर वाला घट जाएगा, यही तो होता है, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इस वाली यूनिट में जो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कम है, तो हम देख पा रहे हैं कि यूनिट उसकी बड़ी है। लेकिन वहीं आगे चल करके हमने देखा कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई यानी कि देखिए 1 से 1000 हो गई, तो यूनिट यहाँ किलोमीटर थी जो कि बड़ी होती है मीटर से, ठीक है। तो यहाँ बड़ी थी बट यहाँ जा करके छोटी हो गई, तो हम यहाँ से ये जो हमने फॉर्मूला लिखा ये क्या है, मतलब सही है, ठीक है, क्योंकि यही तो कह रहा है कि यहाँ आपका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है अगर क्या है छोटा है तो उसकी यूनिट बड़ी होगी, ठीक है, क्या होगी, यूनिट बड़ी होगी। तो यहाँ 1 के साथ किलोमीटर आ गया, लेकिन यहाँ अगर न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी बड़ी हो जाएगी तो यूनिट आपकी छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ 1 था और यहाँ 1000 हो गया, और यहाँ किलोमीटर था तो यहाँ आपका मीटर हो गया, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन होता है किस किस के बीच, आपका दोस्तों यूनिट और आपका न्यूमेरिकल वैल्यू के बीच, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के बीच एक रिलेशन होता है, जो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है आपके यूनिट की, ठीक है। अगर यूनिट बढ़ा तो न्यूमेरिकल वैल्यू घट जाएगा, और अगर न्यूमेरिकल वैल्यू घट गया तो आपका यूनिट बढ़ जाएगा, ठीक है। ये तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों आगे हम लोगों को पढ़ना है क्या, भौतिक राशियाँ, ठीक है। आगे दोस्तों पढ़ना है भौतिक राशियाँ, देखिएगा दोस्तों अब हमें पढ़ना है भौतिक राशियाँ। दोस्तों भौतिक राशियाँ यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज हम इसे बोल सकते हैं। भौतिक राशियाँ यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज। तो दोस्तों भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, तो जो हमारी भौतिकी होती है यानी जो हमारी फिजिक्स होती है उसके अंदर हम जितनी सारी राशियाँ पढ़ते हैं, ठीक है, जो भी राशियाँ हम लोग पढ़ते हैं वो सारी की सारी राशियाँ हमारी क्या होती हैं, हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं यानी कि भौतिक राशियाँ होती हैं, ठीक है। आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, कई तरह की राशियाँ पढ़ी होंगी, लंबाई, द्रव्यमान, दूरी, चाल, जड़ता, गुण, ये सारी की सारी जो राशियाँ होती हैं आपकी भौतिक राशियाँ होती हैं। बस एक कंडीशन याद रखना कि जो भी राशि आप लेंगे आप उसे क्या कर पाएँ, मेज़र कर पाएँ, अगर आप उसे माप पा रहे हैं, ठीक है, उसकी गणना कर पा रहे हैं तो वो आपकी क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटीज होगी, ठीक है। इतना बस आपको याद रखना है। तो आप क्या समझे कि जो भौतिक राशियाँ होती हैं यानी जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो क्या होती हैं, ऐसी राशियाँ होती हैं जो भौतिकी में होती हैं यानी फिजिक्स में पाई जाती हैं, ठीक है, थीके? और उन्हें हम मेज़र कर पाएँ, ठीक है, उनकी हम गणना कर पाएँ तो वो हमारी भौतिक राशियाँ कहलाती हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको मात्रक क्या होता है और भौतिक राशियाँ क्या होता है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। हालांकि भौतिक राशियाँ की अपनी डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, बट जब हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इसका भी यूज़ आपका है, ठीक है, आपके चैप्टर में डेफिनेशन रखी गई है तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। अब दोस्तों आगे हमें देखना है, आगे क्या देखना है, तो चलिए उसको हम देखते हैं। दोस्तों अब हमें आगे जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है मात्रकों की प्रणाली। क्या पढ़ना है दोस्तों, मात्रकों की प्रणाली, जो आपके मात्रक रहते हैं, ठीक है, मात्रक रहते हैं उनकी हमें प्रणाली पढ़ना है यानी मात्रक प्रणाली।
इसे हम लोग दोस्तों बोल सकते हैं यूनिट सिस्टम। अगर दोस्तों आप लोग यूनिट सिस्टम के बारे में जानते हैं तभी आप फिजिक्स में कोई भी जो कैलकुलेशन है बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। और अगर आपको यूनिट टाइम जो सिस्टम है इसका नॉलेज नहीं है तो आप कोई भी कैलकुलेशन जो है अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप कैलकुलेशन करेंगे वो भी रॉन्ग, ठीक है। तो मात्रक प्रणाली दोस्तों आपकी 3 से 4 मात्रक प्रणाली होती है, इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। इनके फुल फॉर्म जो होते हैं वो आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों जो पहली आपकी प्रणाली आती है वो आपकी आती है FPS, ध्यान दीजिए दोस्तों FPS, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म लिखा है, अभी मैं इसका फुल फॉर्म भी बता रहा हूँ। जो पहली प्रणाली आती है वो आती है FPS, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप याद रखिएगा MKS, ठीक है। इसके बाद तीसरी है दोस्तों CGS और चौथी दोस्तों आपकी आती है SI यूनिट, ठीक है, SI सिस्टम, ठीक है दोस्तों। कौन सा? SI सिस्टम। अब इनके फुल फॉर्म क्या होते हैं? तो फुल फॉर्म इनके आप याद कर लीजिए दोस्तों, इसका होता है फुट पाउंड सेकंड। क्या होता है? फुट पाउंड सेकंड, ठीक है। अच्छे से इसको लिख लीजिए, फुट पाउंड सेकंड। आप अंग्रेजी में भी नोट कर सकते हैं इसको, ठीक है। क्या दोस्तों? फुट पाउंड सेकंड। इसका दोस्तों होता है मीटर, देखिए मीटर, ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है मीटर किलोग्राम सेकंड। और दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। और दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं इसको, ठीक है। SI का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंटरनेशनल आपका सिस्टम होता है, ठीक है। अब इसको इसके बाद दोस्तों एक बात ध्यान दीजिए, आपने देखा कि जो पहले जो आपके नंबर दिए थे जैसे कि FMC, ठीक है, ये सारे के सारे आप देख पा रहे हैं आपकी दूरी को डिनोट कर रहे हैं। किसको? दूरी को, जैसा कि देख सकते हैं फुट मीटर सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो दूरी होती है वो हमारी FPS सिस्टम में फुट में ली जाती है, ठीक है, और जो दूरी होती है MKS सिस्टम में मीटर में ली जाती है, ठीक है। CGS सिस्टम में जो दूरी ली जाती है वो हमारी सेंटीमीटर में ली जाती है, ठीक है, तो इतना समझे। इसके बाद सेकंड हम देख रहे हैं कि ये हमारे मास यानी कि द्रव्यमान को प्रदर्शित कर रहा है। किसको दोस्तों? द्रव्यमान को यानी कि मास को। देखिए कैसे द्रव्यमान हमारा FPS सिस्टम में पाउंड में लिया जाएगा, MKS सिस्टम में हमारा जो मास रहेगा वो किस में? किलोग्राम में लिया जाएगा। CGS सिस्टम में आपका जो द्रव्यमान रहेगा वो ग्राम में लिया जाएगा। तो ये आपको इतना याद रखना है, ठीक है। अगर आपने सारी की सारी यूनिट CGS सिस्टम में चेंज करना है तो आपको द्रव्यमान ग्राम में लेना पड़ेगा, दूरी आपको सेंटीमीटर में लेनी पड़ेगी, और टाइम दोस्तों सभी में सेम रहता है। ये आपका टाइम होता है यानी कि समय होता है, तो टाइम आपका सभी में समान होता है, वो भी सेकंड में लिया जाता है। किस में? सेकंड में लेंगे, चाहे आप FPS सिस्टम यूज़ करिए, चाहे आप MKS सिस्टम यूज़ करिए, चाहे आप CGS सिस्टम यूज़ करिए, सभी में आपका टाइम सेकंड में लिया जाएगा। बस ध्यान देना है तो दूरी और द्रव्यमान को। दूरी आपकी FPS में फुट में ली जाएगी, CGS में सेंटीमीटर, M से यहाँ मीटर, ठीक है, और जो मास होगा यहाँ पाउंड में, यहाँ आपका किलोग्राम में, और यहाँ CGS में ग्राम में लिया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इन तीनों से 3 से 4 जो सिस्टम्स हैं आपकी, इनको अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों देखिएगा, जो आपका MKS सिस्टम होता है इसका सुधरा हुआ रूप ही आपका SI सिस्टम बना हुआ, ठीक है। यानी कि SI सिस्टम पहले आपका नहीं था, बट MKS सिस्टम को सुधार करके ही आपका SI सिस्टम लाया गया था, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए एक बार फिर से, ठीक है। ये आपकी मात्रक प्रणाली होती है FPS, MKS और CGS, SI, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, जो आपका SI सिस्टम है, ठीक है, जो आपका SI सिस्टम है इसमें दोस्तों आपकी 7 मूल राशियां रखी गई हैं। कितनी? 7 मूल राशियां आपकी रखी गई हैं। मूल राशियां मतलब दोस्तों फंडामेंटल क्वांटिटीज,
ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आपकी कितनी रखी गई हैं। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एसआई सिस्टम में कितनी मूल राशियाँ रखी गई हैं, ठीक है, तो 7 दोस्तों अच्छे से याद कर लेना, 7, ठीक है, 7 मूल राशियाँ आपकी एसआई सिस्टम में रखी गई हैं, ठीक है, कितनी दोस्तों, 7 रखी गई हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लेना। और दोस्तों 2 आपकी पूरक राशियाँ, कितनी 2 आपकी पूरक राशियाँ, या हम कह सकते हैं मात्रक भी रखे गए हैं इसमें, ठीक है, कितने दोस्तों 2 पूरक मात्रक भी रखे गए हैं आपके, 2 सप्लीमेंट्री आपकी यूनिट भी इसमें रखी गई हैं एसआई यूनिट में, ठीक है, वो कौन कौन से हैं अभी हम जस्ट देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप 7 मूल राशियाँ समझिएगा और फिर हम लोग पूरक मात्रक भी समझेंगे। और मूल राशियाँ हैं तो इनके कुछ मात्रक भी होंगे, और जो मात्रक होते हैं उन्हें हम लोग मूल मात्रक कहते हैं, ठीक है, मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों देखिएगा, आप पहले मूल राशियाँ समझ लीजिएगा कि मूल राशियाँ क्या होती हैं। दोस्तों मूल राशियों को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो मूल राशियाँ दोस्तों ऐसी राशियाँ होती हैं जो क्या हो, पूर्णता स्वतंत्र हो। अब पूर्णता स्वतंत्र होने का मतलब क्या है तो समझिएगा, पहले डेफिनेशन एक बार और सुन लीजिएगा कि जो मूल राशियाँ होती हैं आपकी ऐसी राशियाँ होती हैं जो क्या हो, पूर्णता स्वतंत्र हो। क्या हो दोस्तों, पूर्णता स्वतंत्र हो, या हम बोल सकते हैं ये क्या हो, दूसरे किसी राशि की सहायता से ना बनाई जा सके, ठीक है। मूल राशियाँ आपकी ऐसी राशियाँ होती हैं जो पूर्णतः स्वतंत्र हो और जिनको किसी दूसरी राशि की सहायता से ना निकाला जा सके, ठीक है, ऐसी राशियाँ मूल राशियाँ कहलाती हैं। अब एग्जांपल के थ्रू समझिएगा तो आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है दोस्तों। जैसे दोस्तों आपका हो गया लंबाई, तो जो लंबाई है आपका क्या है, पूर्णतः स्वतंत्र है। आपको मान लीजिए कोई लोहे की रॉड दे दी और इसकी लंबाई अगर आपको 10 मीटर दी गई है तो ये आप कह सकते हैं कि ये क्या है, पूर्णतः स्वतंत्र है, ठीक है, क्या है, ये आपकी जो राशि है, लंबाई यानी लेंथ है, पूर्णतः स्वतंत्र है, ठीक है, इसको हमने किसी दूसरी राशि की हेल्प से नहीं निकाला ये, ठीक है। लेकिन आप कंपेयर करके समझिएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब जैसे मैंने आपसे बोला द्रव्यमान, क्या बोला, सॉरी द्रव्यमान नहीं, मैंने आपसे बोला मान लीजिए घनत्व, ठीक है, तो अब जो घनत्व है दोस्तों ये आपकी मूल राशि नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर आपको घनत्व निकालना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए और वॉल्यूम होना चाहिए। यानी कि अगर आपको घनत्व निकालना है तो आपके पास मास होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए। लेकिन मूल राशियां तो वे राशियां होती हैं जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं और दूसरी राशि की हेल्प से नहीं निकाली जाती। लेकिन घनत्व हमारा दूसरी राशि की हेल्प से निकाला जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ मास की ज़रूरत है और वॉल्यूम की ज़रूरत है। तो आप समझ गए होंगे कि मूल राशियाँ का स्वतंत्र होने का मतलब क्या है, ठीक है। तो लंबाई है आपकी पूर्णतः स्वतंत्र होती है, इसी तरीके से द्रव्यमान होता है, समय होता है, ठीक है, ज्योति तीव्रता होता है, पदार्थ की मात्रा होता है, इस तरीके से 7 राशियाँ होती हैं आपकी, ठीक है। अब वो 7 कौन कौन सी होती हैं दोस्तों, तो देख लीजिएगा, पहला आपका क्या होता है दोस्तों, पहला आपका होता है लंबाई, ठीक है, आपको मैं इस पेज में नोट कर रहा हूँ और आप अच्छे से चार्ट बना लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इनके संकेत भी आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, या आप कोई कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से। तो चलिए एक मैं आपके सामने टेबल बना देता हूँ, एक सारणी बना लीजिए दोस्तों आप इसकी, और दोस्तों नोट्स भी आप अच्छे से बनाते जाइएगा क्योंकि आपका ही बेनिफिट है, अगर आप खुद से नोट बनाएंगे तो आपको अच्छे से याद होगा, ठीक है, क्योंकि दूसरे के नोट से आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो दोस्तों यहाँ आप डाल लीजिए मूल राशियाँ, यहाँ उनके मात्रक डाल लीजिए, ठीक है, और मैंने बताया मूल राशियाँ क्या होती हैं और मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं वो हमारे मूल मात्रक कहलाते हैं, यानी फंडामेंटल यूनिट कहलाते हैं, ठीक है, मूल मात्रक। दोस्तों इनके संकेत भी होते हैं तो संकेत भी मैं यहाँ लिखवा दूंगा आपको, मूल राशियाँ यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़, मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट, और सिंबल तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो दोस्तों पहली जो आपकी मूल राशि आती है वो आती है लंबाई यानी कि लेंथ, ठीक है, हिंदी वाले हिंदी में लिखते जाइएगा और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं नोट कर रहा हूँ, ठीक है, लंबाई बोलते हैं दोस्तों यानी कि लेंथ, ठीक है। इसका जो मात्रक होता है क्या होता है, इसका मात्रक होता है दोस्तों मीटर, ठीक है, हिंदी में लिखते जाइएगा मीटर, ठीक है, और इसको हम इसका जो संकेत होता है दोस्तों स्मॉल एम होता है, क्या होता है, स्मॉल एम होता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों दूसरी जो आपकी आती है वो आती है द्रव्यमान यानी कि मास, ठीक है, क्या आती है, मास आती है, और इसका जो आपका मात्रक होता है क्या होता है, किलोग्राम होता है, क्या होता है दोस्तों, किलोग्राम होता है, और किलोग्राम का जो संकेत होगा इसको हम लोग केजी से लिखते हैं, ठीक है, लिखते हैं ना दोस्तों 10 केजी, 5 केजी, इस तरीके से,
तीसरा दोस्तों आपका आता है टाइम यानी कि समय, ठीक है, क्या आता है दोस्तों टाइम यानी कि समय, तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है सेकंड, क्या होती है दोस्तों सेकंड होती है, और इसको हम लोग स्मॉल एस से लिखते हैं, ठीक है स्मॉल एस से। चौथी जो आपकी दोस्तों मूल राशि आती है वो आती है कौन सी, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, क्या आती है दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट की जो दोस्तों जो यूनिट होती है वो आपकी एम्पियर होती है, क्या होती है एम्पियर, और इसका जो सिंबल रहता है दोस्तों कैपिटल ए रहता है, क्या रहता है कैपिटल ए, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब विद्युत धारा और एम्पियर तो एम्पियर ही रहता है। इसके बाद दोस्तों जो पांचवा आता है वो आता है तापमान, क्या आता है तापमान यानी टेम्परेचर, ठीक है टेम्परेचर यानी कि तापमान, इसका दोस्तों जो आपका यूनिट रहता है वो रहता है केल्विन, ठीक है। और दोस्तों इनके मात्रक भी आपसे पूछे जा सकते हैं ऑप्शनल में, ठीक है, जो आपके ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में वहाँ पूछे भी जा सकते हैं, इसलिए अच्छे से नोट कर लीजिए। टेम्परेचर का क्या होता है दोस्तों केल्विन, और इसे हम लोग लिखते हैं दोस्तों कैपिटल के से, यानी इसका जो सिंबल रहेगा कैपिटल के रहेगा। दोस्तों छठवां आपका आता है कौन सा, ज्योति तीव्रता, जिसे हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, ठीक है हिंदी वाले हिंदी में लिखते जाइएगा ज्योति तीव्रता, ठीक है। इसका दोस्तों जो आपका यूनिट रहता है वो होता है कैंडेला, क्या होता है दोस्तों कैंडेला, इसको हम लिखते हैं सी डी से, ठीक है कैपिटल सी और स्मॉल डी से। दोस्तों जो लास्ट है आपका सेवन वो होता है पदार्थ की मात्रा, ठीक है पदार्थ की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है ये होता है आपका क्या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा, ये आपकी सातवीं मूल राशि है, ठीक है सात आपकी मूल राशियाँ होती हैं, ठीक है कौन कौन सी, लंबाई, द्रव्यमान, ताप, ठीक है इसके बाद दोस्तों यहाँ से विद्युत धारा, ठीक है इसके बाद प्रेशर यानी दाब, ल्यूमिनस इंटेंसिटी विद्युत सॉरी ज्योति तीव्रता, ठीक है ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कि ज्योति तीव्रता, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का दोस्तों जो मात्रक रहता है वो होता है मोल, ध्यान दीजिए यहाँ बहुत कंफ्यूज होते हैं मोल, देखिएगा जो आपका मात्रक होता है उसे हम लोग लिखते हैं एम ओ एल ई से मोल, इसको भी मोल पढ़ते हैं बट इसका जो संकेत रहता है वो होता है एम ओ एल मोल, इसको भी मोल पढ़ते हैं, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, बस याद रखना कि जो मात्रक रहेगा उसमें ई रहेगा बट जो आपका संकेत रहेगा वहाँ ई नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा मोल एम ओ एल, और यहाँ जब आप मूल मात्रक लिखेंगे तो आपका आएगा एम ओ एल ई, ठीक है मोल। तो दोस्तों ये थी आपकी कौन सी, सात मूल राशियाँ, और इन्हें आप अच्छे से नोट कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है कि ताप का जो यूनिट है क्या होगा, ठीक है मास का यूनिट क्या होगा, ठीक है विद्युत धारा का, इस तरीके से आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों अब मैंने आपको आगे बताया था कि ऐसा यूनिट में आपका क्या होता है, दो पूरक राशियाँ और दो पूरक मात्रक भी होते हैं, ठीक है मैंने ये भी बताया था, प्लस इसमें क्या होता है दोस्तों दो पूरक राशियाँ, और दो पूरक राशियाँ रहेंगी तो उन राशियों के आपके मात्रक भी रहेंगे, तो इसलिए आपके दो पूरक मात्रक भी रहते हैं, ठीक है दो पूरक मात्रक भी रहते हैं, ठीक है। अब ये पूरक राशियाँ दोस्तों इन्हें हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट इसे हम लोग कह सकते हैं, ठीक है क्या बोल सकते हैं दोस्तों, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट यानी पूरक मूल राशियाँ, इसे हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं पूरक मूल राशियाँ, तो हमारा हो जाएगा सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट। ये आपकी दोस्तों दो होती हैं, कौन कौन सी, पहली होती है आपकी समतलीय कोण, ये आपकी दोस्तों ज़्यादा पूछी जाती हैं समतलीय कोण, ठीक है इसी तरीके से यहाँ डाल लीजिए आप राशि, मात्रक और संकेत, तो राशि पहली होती है समतलीय कोण और दूसरी होती है दोस्तों घन कोण, इसको हम लोग दोस्तों समतलीय कोण को बोलते हैं प्लेन एंगल, क्या बोलते हैं प्लेन एंगल, और जो घन कोण रहेगा इसे हम लोग बोलेंगे सॉलिड एंगल, ठीक है सॉलिड एंगल। तो ये राशि होती है, इनका जो मात्रक होता है, ठीक है समतलीय कोण का होता है दोस्तों रेडियन,
क्या होता है दोस्तों, रेडियन होता है इसका, RADIAN, ठीक है, इसका रेडियन होता है। और नीचे वाला जो आपका घनकोण है इसका होता है स्टेरेडियन। तो ये आपका मात्रक हो गया, प्लेन एंगल का रेडियन और घनकोण का स्टेरेडियन, इनके संकेत याद रखिएगा। तो रेडियन को हम लोग दोस्तों लिखते हैं RAD से, स्मॉल r, स्मॉल a, स्मॉल d, ठीक है, रेडियन से। और स्टेरेडियन को लिखते हैं दोस्तों SR से, ठीक है, SR से। तो ये थे आपके कौन से दो, आप ये आपकी थी दोस्तों सात मूल राशियाँ और ये आपकी दो पूरक राशियाँ थी, और उनके जो मात्रक थे ये वाले, ये आपके कहलाते हैं क्या, पूरक मात्रक, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है ना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों अब हम लोगों को पढ़ना है जो मैंने ये आपको मात्रक बताए, रेडियन और स्टेरेडियन, ठीक है। इनकी डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है, रेडियन क्या होता है, एक रेडियन क्या होता है, एक स्टेरेडियन क्या होता है, ठीक है। तो ये इनकी डेफिनेशन जो है आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए देख लीजिएगा, और बहुत ही ईजी है, ठीक है। दोस्तों मैंने आपको पहला बताया था समतल, ठीक है, क्या बताया था, समतल कोण। यानी कि प्लेन एंगल, और इसका मैंने मात्रक आपको बताया था रेडियन। क्या दोस्तों, रेडियन। तो अब आपको समतल कोण और रेडियन इन दोनों की डेफिनेशन समझनी है, बहुत इजी है दोस्तों। समतल कोण क्या होता है, कोई मान लीजिए आपका सर्कल है, क्या दोस्तों, आपका मान लीजिए कोई ये सर्कल है जिसकी आपकी रेडियस कितनी दी गई है, रेडियस आपकी आर दी गई है, ठीक है, रेडियस आपकी कितनी है आर, और हमने इसकी जो परिधि है, ठीक है, जो इसकी परिधि है इस पर हमने मान लीजिए कोई चाप मान लिया, मान लीजिए ये आपका चाप है ये, ठीक है, ये आपका क्या है दोस्तों, चाप है, जिसकी लंबाई हमने मान लीजिए एल है, ये जो लंबाई हमने एल मान ली। तो इस चाप के द्वारा दोस्तों जो वृत्त के केंद्र पर कोण बनाया जाता है, ये जो एंगल बनाया जाता है ये, ठीक है, ये जो एंगल बनाया जाता है इसे हम लोग प्लेन एंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल। तो क्या डेफिनेशन निकली, डेफिनेशन निकली वृत्त के चाप द्वारा, ये आपका चाप है ये एल लंबाई का, तो वृत्त के चाप द्वारा उसके जो केंद्र पर कोण बनाया जाता है वो हमारा प्लेन एंगल कहलाता है। इसे दोस्तों हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है, किससे, थीटा से। और दोस्तों थीटा बराबर होता है आपका चाप बटे त्रिज्या, यानी कि हम बोल सकते हैं थीटा इज इक्वल टू, चाप हमारा कितना एल है और त्रिज्या हमारा आर है, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एल अपॉन आर, ठीक है, क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब यहीं से दोस्तों हमारी एक रेडियन की भी परिभाषा निकल आएगी, ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एक रेडियन की परिभाषा लिखिए, तो दोस्तों आप बताइएगा अगर एल और आर दोनों बराबर हो जाएं, क्या हो जाएं, एल और आर आपके बराबर हो जाएं, यानी एल इज इक्वल टू आर, ठीक है, क्या हो जाए, एल इज इक्वल टू आर, जब दोनों वैल्यूज़ बराबर, तो थीटा कितना आ जाएगा वन, ठीक है, कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा आपका वन। तो यहीं से हमारी निकलती है दोस्तों रेडियन की परिभाषा, किसकी दोस्तों, रेडियन की। हम कह सकते हैं यदि चाप की लंबाई यानी कि एल वृत्त की त्रिज्या आर के बराबर हो तो क्या हो जाएगा, जो आपका जो समतल कोण का मान रहता है थीटा का मान, वो आपका एक रेडियन कहलाता है, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी, क्या, यदि आपके चाप की लंबाई एल और त्रिज्या आर इन दोनों की क्या है माप, ठीक है, कितनी हो जाए, बराबर हो जाए, तो हमारा जो समतल कोण होता है एक रेडियन होता है, ठीक है, क्या होता है, एक रेडियन। तो आपकी यहाँ से एक रेडियन की परिभाषा बन गई दोस्तों। इसके बाद मैंने दूसरा आपको बताया था कौन सा, घनकोण, दूसरा मैंने बताया था आपको घनकोण, घनकोण यानी कि सॉलिड एंगल, और इसका मैंने मात्रक आपको क्या बताया था, स्टेरेडियन। ठीक है, स्टेरेडियन बताया था मैंने। तो पहले आप समझिए दोस्तों घनकोण को, ठीक है, किसको समझिए, पहले आप घनकोण को समझिए, घनकोण क्या होता है। तो इसमें भी हम एक सर्कल ही लेंगे, ठीक है, अभी हमने क्या ली थी, वृत्त का कोई चाप लिया था, लेकिन आप दोस्तों हम ले रहे हैं इसकी परिधि पर कोई एरिया, यानी हमने कुछ एरिया मान लिया, सपोज इतना एरिया ले लिया, ठीक है, ये एरिया मान लीजिए हमारा ए है, कितना है ए, और इसकी त्रिज्या आपने आर ली थी, क्या थी दोस्तों, त्रिज्या तो आपने आर ली थी, ये त्रिज्या आपकी आर ही है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि वृत्त की परिधि पर कोई हमने क्षेत्रफल लिया, और उस क्षेत्रफल के द्वारा
वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाया जाएगा, ये जो कोण बनाया जाएगा इसे हम लोग दोस्तों बोलेंगे सॉलिड एंगल। क्या बोलेंगे? सॉलिड एंगल। वहाँ वृत्त के चाप ने कोण बनाया था, यहाँ वृत्त की परिधि पर एकांक जो क्षेत्रफल है आपका, उसके द्वारा जो कोण बनाया जाएगा वो आपका सॉलिड एंगल घनकोण कहलाएगा, ठीक है ना। तो घनकोण का जो मान होता है दोस्तों वो आपका क्या होता है, उसकी परिधि की एरिया ए और त्रिज्या आर इसके स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से लिख लीजिए घनकोण इज इक्वल टू ए अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। घनकोण का जो मान होता है उसकी परिधि पर जो क्षेत्रफल है उसका, उसकी किसके साथ, त्रिज्या के स्क्वायर के साथ जो रेशियो रहता है वो आपका घनकोण कहलाता है, ठीक है। तो क्षेत्रफल ए और त्रिज्या आर के स्क्वायर का अनुपात आपका घनकोण कहलाता है, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए आपका एक स्टेरेडियन क्या होगा, तो यहाँ से भी आप क्या करिए ए और आर को बराबर करिए। अगर हम मान लें कि हमारा जो एरिया है वो त्रिज्या आर स्क्वायर के बराबर है तो क्या होगा, घनकोण आपका एक स्टेरेडियन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक स्टेरेडियन, ठीक है। वहाँ हमने एल और आर को बराबर कर लिया था, यहाँ हमने ए और आर स्क्वायर इन दोनों को बराबर कर लिया है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनके फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेना। ये फॉर्मूला पर बेस्ड आपका क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी, ठीक है। यदि किसी वृत्त के चाप की लंबाई कुछ दे दे आपको, ठीक है, 10 सेंटीमीटर मान लीजिए दे दिया आपको, ठीक है। क्या दे दिया? 10 सेंटीमीटर। और बोला जाए कि इसके द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 40 डिग्री है, तो आपको त्रिज्या निकालनी है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये वाला फॉर्मूला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके मात्रक अच्छे से याद कर लीजिए। घनकोण का आपका स्टेरेडियन होगा, ठीक है, और प्लेन एंगल का आपका रेडियन होगा। और जो मैंने आपको दोस्तों 7 मूल राशियाँ बताई उनको भी आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए दोस्तों, ठीक है, इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। यहाँ से आपका 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल पक्का आता है, ठीक है ना। यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल पक्का आता है, ठीक है, इसलिए इसको इग्नोर मत कीजिएगा। और ये जो मूल राशियाँ बताई थी और उसके बाद फिर बताया था पूरक मूल राशियाँ, ये 2 बताई थी, तो ठीक है, इनको भी आपको अच्छे से याद करना है। अब दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, अभी हमने मूल राशियाँ पढ़ी और मूल मात्रक, अब दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे व्युत्पन्न राशियाँ और व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? व्युत्पन्न राशियाँ और हम लोग व्युत्पन्न मात्रक पढ़ने वाले हैं, ठीक है, यानी कि डेराइव्ड यूनिट और डेराइव्ड आपका जो यूनिट रहेगा, डेराइव्ड क्वांटिटीज़ और डेराइव्ड यूनिट, इनको हम लोग दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी जो आपके सब्जेक्ट हैं उनकी प्रेपरेशन के लिए। और दोस्तों के साथ भी ये बात ज़रूर शेयर करिएगा कि इस चैनल पर जो है आपके सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन धीरे धीरे कराई जा रही है, ठीक है ना दोस्तों। आपका जैसे कि अभी अप्लाइड मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसी तरीके से फिजिक्स का एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ही तुरंत हम इंजीनियरिंग ड्राइंग या हमारा केमिस्ट्री हो गया उसको भी हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अगर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ेंगे तो उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगेंगे आपको, ये सब इनकी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।